टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड के जरिए 90 के दशक में क्राइम पत्रकारिता में नया मुकाम स्थापित करने वाले सुहैब इलियासी की किस्मत का फैसला होने वाला है। अपने शो के जरिए अपराधियों के नाकों में दम करने वाला पत्रकार अब खुद अपराधी बना है। सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। सुहैब और अंजू ने 1993 में स्पेशल कोर्ट मैरिज एक्ट के तहत शादी रचाई थी। अपनी पत्नी अंजू के साथ मिलकर ही सुहैब ने 1995 में क्राइम शो बनाया था। देखते ही देखते सुहैब इलियासी इस शो के जरिए स्टार बन गए थे। उनके शो के बाद कई खूंखार अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े थे, लेकिन साल 2000 में उनकी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरू में दिल्ली पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस पलट गया और इसे हत्या करार दिया गया। दरअसल अंजू इलियासी के पेट में तेज धार वाले हथियार के दो चोट के निशान पाए गए थे। कोई भी व्यक्ति खुदकुशी के लिए दो बार खुद को घायल नहीं कर सकता, इसी आधार पर इसे हत्या का मामला करार दिया गया था। अंजू के घर वालों ने भी सुहैब पर शक जताया था, जिसके बाद 28 मार्च 2000 को पुलिस ने सुहैब इलियासी को गिरफ्तार किया था। सुहैब इलियासी पर दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या की धारा के तहत आरोप तय किए गए थे। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों के बीच अक्सर दहेज को लेकर झगड़ा होता था और शायद इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या की। हत्या को अंजाम देने के बाद सुहैब इलियासी ने अंजू इलियासी के एक दोस्त को फोन कर उसकी आत्महत्या की जानकारी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।